हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सजीर भाई गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है BS6 सुपर स्प्लेंडर बाइक, और इस बाइक में करंट नहीं आ रहा है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज हम इस बाइक को ठीक करेंगे और वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाएंगे एक्चुअली क्या फॉल्ट हुआ है, जो बाइक में हम लोग का इग्निशन करंट जो है नहीं आ रहा है और बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ बाइक में करंट आ रहा है कि नहीं। एकदम करंट नहीं आ रहा है, तो चलिए क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चेकअप करेंगे, यहाँ चेक इंजन लाइट का जो है लाइट नहीं आ रहा है। देखिए, इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ चेक इंजन लाइट जलना चाहिए था, स्टार्ट होने के बाद ये बंद होगा तो चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, लोचा बहुत ही बड़ा लोचा है, बाइक को ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बाइक एक मैकेनिक भाई ने कोशिश भी किया था, और यानी कि ये मुझे कहा गया है कि ACM भी दूसरे बाइक से यानी कि लगा के देखा है, और इसमें हम लोग का जो बैक एंगल सेंसर है ये भी लगा के देखा है, तो यानी कि ACM भी सही है और ये भी सही है। फॉल्ट क्या है तो सबसे पहले वही हम लोग चेकअप करेंगे, और फिर इग्निशन जो स्विच है ये फिर नया इंस्टॉल किया है एक महीना पहले। पहले इग्निशन स्विच लगाने के बाद बाइक चल रहा था, अभी यानी कि नहीं चल रहा है। देखिए, चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है, वही हम लोग देखना है और बाइक ठीक हो जाएगा। तो कैसे इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग वाइजर ओपन करेंगे और इसका जितना भी फॉर्मूलेट है सब चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे एक्चुअली क्या फॉल्ट हुआ है, वो आप लोग को वीडियो के जरिए से ज़रूर दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इग्निशन स्विच चेकअप करेंगे। चलो, इग्निशन ऑन करो, ऑन करो, छोड़ दो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो। इग्निशन स्विच बराबर ओके है। तो सबसे पहले हम लोग इग्निशन स्विच पे वोल्टेज चेकअप करेंगे। इसको लगाओ, यहाँ थोड़ा दूर करके दिखाओ, देखते हैं कितना में वोल्टेज आता है। 12 वोल्ट, एक पे 12 वोल्ट आ रहा है और एक पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। एक पे 12 वोल्ट आ रहा है, एक पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि वोल्टेज मुझे लगता है दो वायर में होना चाहिए था। सिर्फ वोल्टेज हम लोगों का इसी वायर पे आ रहा है, इसी वायर पे। तो चले, तीसरा स्टेप जो है गाइस, हम लोग चेकअप करेंगे इसका फ्यूज बॉक्स से, फ्यूज चेकअप करेंगे। पकड़ के रखो इसको, ओके, ये फ्यूज खराब है, एक खराब है, ओके, पकड़ के रखो इसको। तो फ्रेंड्स, एक फ्यूज खराब है 10 वाला, ठीक है, ये सही है और ये सही है। तो ये 10 वाला जो है ये सही है, इसको लगा देंगे, एक्स्ट्रा लगा के रखा है, नोच प्लस दीजिए। चलो इसको टेस्ट करते हैं, अब बराबर सही है। तो यहाँ फ्यूज लगाया, अब देखेंगे हम लोग बैक एंगल सेंसर का कपलर लगा देते हैं, खुला है, कपलर लगाओ, कपलर लगाओ। तो फ्रेंड्स, चेक इंजन लाइट यहाँ आ चुकी है, देखिए अब चेक इंजन लाइट जो है आ चुकी है, अब मुझे लगता है काम बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वोल्टेज चेकअप करेंगे, जो फ्यूल पंप से हम लोग का वोल्टेज कितना प्रकार का आएगा वो भी मैं आप लोग बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ कपलर में आप लोगों को तीन वायर देखने को मिलेगा, अब यहाँ जो है वोल्टेज कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, तीनों वायर में हम लोग का 2 वोल्ट 40 पॉइंट के आसपास में आएगा, तो वही हम लोग को चेकअप करना है, तीनों वायर में 2 वोल्ट करके आ रहा है कि नहीं। इग्निशन बंद है ना, एक वायर को लगाया यहाँ और एक बॉडी किया, और इग्निशन ऑन करो, 2 वोल्ट 77 के आसपास में
इसमें कितना आ रहा है देखिए, ऑन करो, 80, 2 वोल्ट 80। चलो ऑन करो, 2 वोल्ट यानी कि 71। तो फ्रेंड्स यहाँ वोल्टेज हम लोगों को बराबर आ रहा है, फ्यूल पंप भी चलेगा और बाइक में करंट आ रहा है कि नहीं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी करंट नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है, अभी भी करंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? फ्यूल पंप हमने लगाया नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स टैंकी हम लोगों को लगाना पड़ेगा तभी बाइक में हम लोगों का, जैसे फ्यूल पंप में कनेक्शन करेंगे तभी हम लोगों का बाइक जो है करंट आएगा। पहले आप लोगों को दिखाता हूँ इग्निशन ऑन करने में हम लोगों का यानी कि फ्यूल पंप चल रहा है कि नहीं। माइक्रोफोन लगाया है ऑफ, ऑन। तो मैं कान लगा के देख रहा हूँ फ्यूल पंप हम लोग का चल रहा है। तो चलो एक बार करंट देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग को और भी काम करना है। चलो मारो मारो जोर जोर से, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो फ्रेंड्स यहाँ हरगिज़ हर हाल में करंट नहीं आ रहा है। तो चलो और भी बाइक में फॉल्ट है यानी कि ACM से हम लोग को कॉन्टेंट भी चेक करना है और इसका पिकअप कॉइल भी चेक करना है, इसका रीडिंग कितना आ रहा है सब चेकअप करना है। तो चलो टैंकी ओपन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे पिकअप कॉइल की। तो ये वाला कपलर जो है पिकअप कॉइल का कॉन्टिन्यूटी है, एक सौ छब्बीस। इसका ओम्स चेकअप करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका ओम्स जो है, ओम्स आ रहा है 126.9 और मेरे पास एक पिकअप कॉइल है, BS6 बाइक का ही है, इसका रीडिंग हम लोग चेकअप करेंगे 138.8 यानी कि कुछ कम बेस दिखा रहा है लेकिन हम कंफर्म नहीं है जो पिकअप कॉइल ख़राब हो गया है क्योंकि और भी कुछ चेकअप करने का चीज़ है वही हम लोग चेकअप करेंगे। चलो इस कपलर को लगा देते हैं और एक हम लोग का साइड स्टैंड की जो सेंसर है उसे हम लोग यानी कि इस बाइक का चेकअप करेंगे। कौन सा वाला है साइड स्टैंड की देखो तो, ये वाला। चलो एक बार किक मार के देखो, चाबी ओपन करो, मारो तो नहीं आ रहा है ना। चेकअप करेंगे पार्टली कॉइल में जो आउटपुट वायर है इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले हम लोग वोल्टेज देखेंगे, ब्लैक में रेड कलर की जो वायर है इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। काफ़ी सारे बाइक देखा है वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज यहाँ बराबर आ रहा है। अब यहाँ जो वोल्टेज है किक मारने के बाद आएगा लेकिन ये लैम्प नहीं जलेगा, इसको पता चलेगा हम लोग का इंडिकेटर की बाइजर की मदद से, क्योंकि AC जो लैम्प होता है कभी कभी हम लोग का जैसे नहीं जलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेकअप करें। ये थोड़ा हम लोग का देखिए लैम्प ख़राब है, बाइजर किक का ये पे करो, बस बस बस। तो यानी कि वोल्टेज आ रहा है और जो ग्राउंड पिकअप है पिकअप कॉइल की वो नहीं आ रहा है। तो इस वायर का हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब ये कहाँ से आता है? ये हम लोग को ACM से आता है गाइस, ACM से हम लोग चेकअप करेंगे जिसका कॉन्टिन्यूटी सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारे चीज़ खोल के देखा, यहाँ हम लोग का जो वायरिंग हार्नेस होता है कभी कभी क्या हो जाता है, हैंडल जब हम लोग घुमाते हैं तो यहाँ का वायर हम लोग का कट होता है। बस मैंने वायरिंग को खोल के यहाँ देखा, कहीं भी कुछ लोचा नहीं है, काटा भी नहीं है। अब इसका वायरिंग से लेकर हम लोग जितना भी ACM है मैं आपको दिखाता हूँ। ACM पे हम लोग वोल्टेज चेकअप किया, सब कुछ सही है और
एक चीज़ अब हम लोग करेंगे क्या, वो मैकेनिक भाई जो है वो बोल रहा था जो बैकिंग एयर सेंसर उन्होंने लगा के देखा है, बट मैंने इसका कपलर खोलने से भी बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो बट मैं क्या किया, फाइनली मेरा जो स्प्लेंडर बाइक है इसी बाइक का हर कोई पार्ट्स इसमें अटैच हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले इसका टैंकी लगा के देखा उस बाइक में, तो काम नहीं कर रहा है। उस बाइक का टैंकी इसी बाइक में लगाया, लगाने के बाद मेरा बाइक स्टार्ट हो गया। अब इसका एक चीज़ हम लोग लगाएंगे, बैक एंगल सेंसर जो है सेम मॉडल है, देखिए इसको हम लगाएंगे। चलो इसको फिट करो, इसको फिट करो। और बाइक में तो हम लोग का दिक्कत, इतना दिक्कत आ रहा है कि बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, करंट भी नहीं आ रहा है। चलो नॉट लगाओ, ये गाड़ियों का है, सुपर स्प्लेंडर बाइक का और वो मेरा बाइक का। तो चलो इसको रखते हैं, फिट करो। कभी भी आप लोग वायरिंग का काम करते हो तो टैंकी आप लोगों को कफलर लगा के काम करना पड़ेगा, तभी काम करेगा। चलो टैंकी लगाओ और हम लोग चेकअप करेंगे एक्चुअली इसमें जो समस्या समाधान हो रहा है कि नहीं। चलो भरो, रुको इसका पाइप लगा देता हूँ। बस ठीक है, अब हम लोग करंट चेकअप करेंगे इस बाइक का, जो करंट आ रहा है कि नहीं। चलो इग्निशन ऑन करते हैं, साइड पर लगाओ। बस 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 बस, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। चलो प्लग में, प्लग का कैप लाइए। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी फिटिंग किया, तो फाइनली हम लोग का बाइक स्टार्ट हो गया गाइस। देखिए अभी चेक इंजन लाइट आ रहा है, बाइक को अपडेट करना पड़ेगा। चलो अपडेट मारो फटाफट, बंद करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। एकदम बंद हो रहा है, बाइक को अपडेट करेंगे एक बार। तो फ्रेंड्स, मार्केट से नया बैक एंगल सेंसर लाया और बाइक में इंस्टॉल किया। देखिए इसका प्राइस क्या है गाइस, देखिए 210 रुपये इसका कीमत है और आसानी से मुझे मिल गया। तो फ्रेंड्स, इस बाइक में हम लोग का यानी कि दो चीज़ ख़राब था, एक बैक एंगल सेंसर और एक फ्यूज। तो एक मैकेनिक के पास जब वो बाइक गया था तो उन्होंने ये सब चेकअप नहीं किया, लेकिन हमने वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को शेयर किया, क्योंकि BS6 बाइक ऐसा चीज़ है, एक चीज़ अगर हम लोग का ख़राब हो जाता है तो हम लोगों का बाइक स्टार्ट नहीं लेता है। तो हम लोग मैकेनिक भाई जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअली क्या फॉल्ट है, और जैसे डीलर के पास हम लोग गाड़ियों को भेज देते हैं और डीलर क्या करते हैं, डीलर जैसे कि काम कर लेते हैं, उसके बाद अगर बाइक होता है तो लगा लगा के देखता हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाया डीलर के पास ले जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने हाथ से काम कीजिए। मैंने जो जो स्टेप किया, जैसे कि पहले इग्निशन स्विच मैंने चेकअप किया, उसके बाद हमने फ्यूज चेकअप किया, फ्यूज में हमने जो फॉल्ट किया फ्यूज ख़राब था, उसके बाद क्या किया पूरा कॉन्टीन्यूटी चेकअप किया, वो सब वीडियो के जरिए से आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट जो जो पार्ट्स थे मैंने आपको दिखाया। और एक्चुअली इस बाइक पर फॉल्ट जो था, करंट नहीं आ रहा था और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, और मैंने वीडियो के जरिए से आप लोगों को ठीक भी करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, इस बाइक में दो फॉल्ट था, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है, लाइन का समस्या हो रहा है, तो आप लोग फ्यूज खोल के देखिए, फ्यूज का चेकअप कीजिए, जिसमें कि चेक इंजन लाइट आना चाहिए इग्निशन ऑन करने के बाद। अगर चेक इंजन लाइट नहीं आता है तो फिर आप लोग वायरिंग में फ्यूज देखना है, इग्निशन स्विच देखना है, ये सब देखना है, वायरिंग हार्नेस देखना है और सब कुछ देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर चेक इंजन लाइट में करंट आ रहा है और बाइक फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, करंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ टैंकी के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा बैक एंगल सेंसर, ये हम लोग का ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना सही, अगला वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।